मेडिकल लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर पोर्टो में हम पेशेंट टेस्ट ऑर्डर बुक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि शिफ्ट पिंक है, तो ये 23/8/2022 की सेकंड शिफ्ट है, हम इसे यही रहने देंगे। और आगे लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू ऑर्डर, तो इसके साथ लिखा हुआ Alt+1, हम कीबोर्ड से Alt दबाए रखेंगे, ऊपर से 1 दबाएंगे तो न्यू ऑर्डर स्टार्टेड, और हम एंटर दबाएंगे ओके हो जाएगा। तो अब पेशेंट आईडी के मेडिकल रिकॉर्ड नंबर के बॉक्स में कर्सर मौजूद है, ये ब्लू भी है साइड से, तो हमें मेडिकल रिकॉर्ड नंबर नहीं देना, हम टैब दबाएंगे और यहाँ हम कोई मोबाइल नंबर लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे इसके 11 फिगर पूरे होते हैं, ऊपर 11 भी आ जाता है, हम टैब प्रेस करते हैं, ये पेशेंट पहले से मौजूद है, तो इसके सारे बॉक्सेस फिल हो गए हैं और हम पासपोर्ट के बॉक्स में पहुंच गए हैं। और हमें पासपोर्ट और PNR और ये वो कोरोना की इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी, तो हम यहाँ से Alt+R दबाएंगे, कीबोर्ड को ऊपर से Alt दबाए रखेंगे और R दबाएंगे, ठीक है। तो हम रेफर्ड बाय के जो बॉक्स है इसमें पहुंच जाते हैं, यहाँ से हम सेल्फ या डॉक्टर जो हमने डाल रखा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये प्लस के साइन से क्लिक करके यहाँ फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हम सलीम, और इसका हिंट हम एस रख देते हैं, एस तो सॉरी सेल्फ का है तो हम इसका एस ए रख देते हैं, और इसके बाद जो मोबाइल नंबर इनका हमें नहीं मालूम, टैप 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 दबाते जाएंगे और हम सेव के बटन पे एंटर करते हैं और ये डॉक्टर सलीम हमारे रेफर्ड बाय और इसमें सिलेक्ट हो गए। आगे इसमें देखें कि नीचे से स्क्रॉल करते हैं कि ये टेस्ट हमने पेशेंट के लिए करने हैं या डोनर के लिए, ये भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके पास जिस तरह क्रॉस मैच है डोनर है तो आप डोनर के भी टेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट जब भी हम दबाएंगे पहली दफा हम जो टेस्ट कोड के बॉक्स में पहुंच जाते, फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1600 लिखते हैं और इंसर्ट दबा देते हैं कीबोर्ड से, तो ये रीनल फंक्शन टेस्ट का जो कोड था वो बुक हो गया है। अब हमें टेस्ट CBC बुक करना चाह रहे हैं और हमें उसका कोड नहीं आ रहा, तो हम कीबोर्ड से Alt दबाए रखेंगे और ऊपर से 2 दबाएंगे, तो ये हमारा इसके सामने बटन भी था वो भी क्लिक कर सकते थे। यहाँ हम CBC टाइप करेंगे, देखें इसका कोड भी आ गया 1300 है और ये नाम से भी आ गया, तो हम इसको ऐड के बटन पे क्लिक करके या एरो की डाउन करेंगे तो इसका ऐड का बटन सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर से एंटर दबाएंगे तो ये टेस्ट पीछे ऐड हो गया। अब एस्केप दबाएंगे तो ये वाली लिस्ट जो हमने खोली थी सर्च करने के लिए वो गायब हो गई। अब हम इसकी पेमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम Alt+Z प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, जो तो ऑर्डर हमारा सेव हो गया, क्योंकि जो Alt+Z सेव बटन का ऑप्शन था तो इसकी पेमेंट बकाया हो गई है। तो इसी तरह हम टेस्ट जो है कोई भी जो ऑर्डर है वो बुक कर सकते हैं।